हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल ते, जिसका नाम है रीत ब्लॉग। सो टुडे इज मंडे एंड जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने एक दिन जो है सूट स्टिच करने दिए थे, मैंने और मम्मा ने। सो आज जो है वो सूट जो है हमारे बन के रेडी हो गए हैं, हम वो लेने जा रहे हैं। सूट तो वैसे हमारे जो है ना वो कल ही स्टिच हो गए थे, हमें फोन आ गया था टेलर का। बट जैसे कि आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा, मासी जी उन्हीं आए हुए थे, सो हम लोग उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो वो सूट जो है हम पिक नहीं कर पाए उनसे। एंड कल संडे था, शॉप भी जल्दी बंद हो गई थी, तो आज हम वो सूट लेने जा रहे हैं। एंड मेरे सूट जो है कैसे स्टिच हुए हैं और कौन से सूट हैं वो मैं आपको प्रॉपरली जो है ना उनकी लुक दिखाऊंगी कि मैंने किस हिसाब से इस बार सूट स्टिच करवाए हैं। अपने भी दिखाऊंगी, मम्मी के भी दिखाऊंगी कि उनके जो है उनके भी कैसे स्टिच हुए हैं। सो उसके लिए जो है आप लोग रेडी रहना, मैं आपको घर पे जाके प्रॉपरली जो है दिखाऊंगी, पहन के हो सकता है पहन के भी दिखा दूं, लेट्स सी, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। और भी हमें एक दो काम थे, हमने सोचा चलो आज निकले ही हैं तो वो भी दो तीन काम करके आते हैं। सो क्या क्या काम है वो सब मैं आपको बताती रहूंगी। एंड अगर बाहर आए हैं और कॉफी ना पियेंगे तो फिर बात नहीं बनती ना, देखते हैं अगर प्लान बना तो। बाकी अगर लेट हो गए तो फिर घर पे वापस जाना है, क्योंकि फिर खाने का टाइम हो जाएगा, घर पे भी लंच का टाइम हो जाएगा। अभी तो 12 बजे हैं वैसे, लेट्स सी। और आज मौसम बहुत ही ज्यादा सही सा हो रहा है, मतलब धूप ना बहुत कम है आज, फिलहाल तो है ही नहीं है, बादल बादल से हैं। और मैं होप कर रही हूँ बारिश हो जाए तो बहुत ही मजा आ जाएगा, लेकिन खुल के बारिश हो जाए, वरना ठंडा सा मौसम हो जाए। एंड हियर इज सिमी ड्राइविंग कार एज यूजुअल, मुझे चलाने नहीं देते यार, मेरी ड्राइविंग पे इनको अभी तक बिलीव ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कभी टाइम आएगा मैं भी उस सीट पे होंगी है ना जरूर ठीक है जी, मैं आपको मिलती हूँ आगे जाके। सो ये सूट मैंने जो है कर लिए हमारे कलेक्ट, घर पे जाके दिखाती हूँ आपको। एंड ये रही शॉप, चलिए जी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। चलो चुन्नी कह रही हैं, चुन्नी भी सीगी एक्चुअली मेरी, एक दुपट्टा भी था मेरा, एक और टर्बन्स थी, एक इनकी थी और एक हमारे दादाजी की थी। सो वो हम लोग जो है सिलाई लगवाने के लिए लेकर आए हैं। ये यहाँ पे काफी फेमस शॉप है, अमृतसर पगड़ी सेंटर, ये देखो। एंड ये बिल्कुल मार्केट में हमने अपनी गाड़ी पार्क करी हुई है धक्के से रही थी स्टार्टिंग में कि मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है। ये मौसम ना मतलब इतना ज्यादा वो ह्यूमिडिटी ह्यूमस वाला हुआ पड़ा है ना कि स्वेट पसीना बुरे हाल है। और बीच में जो है मम्मा के लिए एक चप्पल भी लेकर आई हूँ, वो मैंने अभी पीछे रख दिया, घर पे जाके आपको दिखाऊंगी। उनकी चप्पल जो है ना वो टूट गई थी, सो हमने सोचा कि उनके लिए चप्पल भी ले चलते हैं, मार्केट में गाड़ी लेकर ही आए हैं तो वो भी काम कर लेते हैं। सो आई थिंक एक टर्बन तो हो भी गई है, जल्दी जल्दी। अंकल ने मुझे बोला था 20 मिनट लगेंगे, लेकिन अंकल ने दो मिनट में एक टर्बन कर दिया है, 5 मिनट और लगेंगे बस। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या है। इनकी शॉप वाले ही हैं ये, हाँ, पास ये करते हैं, हैं। हाँ, शॉप वाले हैं, हाँ शॉप वाले, जितनी पगड़ी वहाँ से लोग खरीदते हैं यहाँ पे आके वो करवा लेते हैं फटाफट, उसको पीको वगैरह जो सी मतलब करवाना होता है उसको। अमृतसर पगड़ी सेंटर से जो मतलब पगड़ी वगैरह खरीदते हैं, जैसे लोग बल्क में लेते हैं ना 10-20 पगड़ी ले लेते हैं कभी, तो वो एक साथ इनको दे देते हैं। ये ना दोनों फादर और सन बैठे हैं बाहर, इनका मतलब ये मिलके करते हैं काम, अलग अलग नहीं करते हमारे वहाँ पे भी, हर पगड़ी सेंटर पे सेम ही होता है, जहाँ पगड़ी सेंटर होता है ना वहाँ पे ये सिलाई लगवाने वाला वहाँ पे बैठे ही होते हैं। सो ठीक है, ये पगड़ी लेते हैं फिर उसके बाद आगे का देखते हैं। सो ये मैम वापस जो है वहीं पर आए थे ऑस्ट्रेलियन कैफे, यहाँ से एप्पल साइडर विनेगर लेना था, वो भी बाय कर लिया एक्चुअली। वो ब्रैग का होता है ना जो, वो वाला बाय करना था, ऑनलाइन आने में अभी टाइम लग रहा था तो हमने सोचा शॉप से ही ले लेते हैं, बट ऑनलाइन जो है ना डिस्काउंट काफ़ी मिलता है, शॉप से लेने पर थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर आपके पास टाइम है ना तो ऑनलाइन ही मंगवाया करो वैसे ऐसी चीजें जो हैं।
कॉफ़ी, आज मन नहीं कर रहा कॉफ़ी पीने का। एक्चुअली ना मौसम ऐसा है, कुछ ठंडा सा पीने का मन कर रहा है, तो हमने सोचा कि जूस पीते हैं, थोड़ा रिफ्रेशिंग सा भी रहेगा और गर्मी को भी थोड़ा कम करेगा। तो हमने जूस ऑर्डर किया है, मिक्स। हेलो जी। सो घर पे आने के बाद अभी टाइम पता कितना हो रहा है, 11:15 का, और हम लोग गए थे दोपहर में। यार आके इतना सोए हैं ना पूछो मत। पता नहीं क्यों मेरा ना सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, अभी भी हल्का हल्का सा हेडेक हो रहा है, भारी भारी सा, जैसे बोल रहे हैं ना, पता नहीं गर्मी की वजह से हो गया या जो भी है। सो आने के बाद हम सो गए, उठ के खाना वगैरह खाया, फिर जो है अब फ्री हुई हूँ फाइनली। एंड आपको मैं दिखाती हूँ जो मैंने सूट अपने जो है स्टिच करवाए हैं, पहन के भी दिखाती हूँ, पर फिलहाल एक तो मेरा ये वाला सूट है, रुको दूसरी साइड से कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ। एक मेरा ये सूट है पिंक वाला, इसके साथ भी जो है मैंने पैंट बनवाई है, ऐसा कट लगवाया है उस पर, और दूसरा जो है मेरा ये वाला, इस पर मैंने यहाँ पे बटन्स लगवाए हैं, और ये पाइपिंग उन्होंने खुद से लगा दी है अपनी ये मर्जी से, जो कि बहुत अच्छी बात है, चलो लगा दी। इसके साथ भी जो है मैंने पैंटी बनवाई है, इस पर मैंने ये डिज़ाइन बनवाया है, और ये रहे मम्मी के सूट। मम्मी का एक सूट ये है, इस पर भी उन्होंने पाइपिंग लगा दी है खुद से ही, मैरून कलर की आई थिंक इसके साथ, और मम्मी ने तो सलवार ही बनवाई है, और एक ये है उनका। दोनों सारे सूट जो हैं वो कॉटन के ही हैं। ओके सो मैं अभी अपने तो पहन के दिखाती हूँ, मम्मी तो जो है वो सो गई हैं। सो ये मेरा पिंक वाला सूट है, इसके साथ इस तरह का दुपट्टा है, और प्रॉपरली जब मैं वेयर करूँगी ना रेडी होके, फिर आपको इसकी फुल लुक भी दिखाऊंगी। अभी फिलहाल मैंने फिटिंग के लिए पहन के देख रही हूँ कि फिटिंग वगैरह कैसी है, ठीक लग रहा है मुझे, बिल्कुल सही लगा है। और अभी मैं आपको इसके बाद जो है दूसरा वाला भी दिखाती हूँ, मुझे पसंद आया ये। अंकल से जैसे मैं सूट स्टिच करवाती हूँ ना, इनका मुझे ये अच्छा लगता है कि एक ही बारी में मुझे पसंद आ जाती है, और अगर इनसे कोई गलती भी हो जाती है ना नेक्स्ट टाइम पे, ये वो सब कुछ जो सही कर देती है। मैंने उनको जैसा बोला था उन्होंने वैसा स्टिच किया है। तो ये है मेरा दूसरा सूट, सिमी को जो है ये वाला ज़्यादा पसंद आया है मतलब वो वाला जो है साइड में लग गया, ये वाला ज़्यादा पसंद आया मुझे भी, ये सुंदर लगा, ये ना कंफर्टेबल है, पता नहीं क्यों इसको पहन के मुझे ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा सॉफ्ट है कपड़ा उसके मुकाबले, शायद वो वॉश करने के बाद सही हो जाएगा। एंड इसकी भी जो है फिटिंग वगैरह सब ओके है, मुझे कुछ नहीं करवाना है इसको, सब कुछ बिल्कुल सही है। ओके सो मैंने दोनों ट्राई करके देख लिए, दोनों मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। अब जल्दी से जल्दी जो है इनको पहन के हम लोग रील्स बनाएंगे, और हो सकता है इनमें से कोई मैं राखी पे भी पहन लूँ, देखते हैं, हो सकता है तब तक एक आधा कोई और आ जाए, अभी बहुत टाइम पड़ा ना राखी को। ठीक है जी, सो टाइम हो गया 11:30, ये वीडियो एडिट भी करनी है हमें, एंड फिर मैं आपको मिलूंगी अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना। सो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट आवर फंडा, अ लिटिल मोर काइंडनेस, अ लिटिल लेस जजमेंट।